लाइट वगैरह जला दीजिए। ये देख सकते हैं इसकी लाइट वगैरह काफ़ी एकदम झमाझम बनी हुई है, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों इन्होंने बहुत शानदार बनाया हुआ है, इस पर कितना खर्चा आया है इनका, इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और पीछे से इन्होंने बहुत ही शानदार ये सपोर्ट लगवाया हुआ है। अब ये सपोर्ट का काम क्या है, कारण क्या है लगाने का, मित्र मंडली नमस्कार, शुभ प्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम आपके सामने हाजिर हैं एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ और हम पहुंच चुके हैं बाबा महाकाल की नगरी काशी, और यहां पे काशी बनारस में हैं और यहां की हम आपको पूरी जानकारी आज देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहें। और ये हमारे दोस्त लोग हैं जो कि इलाहाबाद से आए हुए हैं। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर नज़ारा सुबह सुबह का, और हम ट्रेन से उतर कर सीधा घाट में ही आ चुके हैं। घाट का नाम नमोग है। और यह गंगा जी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी है अभी। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि अगर पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे की बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देख सकते हैं स्मार्ट सिटी नमो घाट वाराणसी, और अब हमारी वीडियो यहां से शुरू होती है। हम जहां जहां घूमेंगे आज आपको बहुत ही शानदार वीडियो मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें वरना आपके समझ में नहीं आएगी। बहुत ही शानदार बनाया गया है मित्रों। ये इंडियन ऑयल की तरफ से बोर्ड लगा हुआ है, गंगा नदी आपकी धरोहर है, इसे स्वच्छ रखने में आपका सहयोग वंचनीय है। बहुत बड़े बड़े हाथों को बनाया गया है, दोनों हाथों से जोड़कर नमो नमः दर्शाया गया है। सबसे पहले मैं आपको एक महाराज जी से मिलवाना चाहूँगा, और महाराज जी से मिलकर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और आज सुबह से मैं काफ़ी निराश और परेशान था
लेकिन और मैं इनके साथ में कुछ बातें हुई और मेरे मन का बोझ बहुत हल्का हुआ और महाराज जी ने एक ज्ञान की बात बताई, एक गुरु मंत्र दिया है। तो प्लीज़ आप सभी लोग से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और महाराज जी का क्या गुरु मंत्र है पूरे देश के लिए, पूरी पब्लिक के लिए, पूरी जनमानस के लिए। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, अपनी धरती माँ को, अपनी मातृभूमि को पर्यावरण से बचाने के लिए दूषित होने से, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ये हैं हमारे महाराज जी और हम महाराज जी से आपका परिचय कराएंगे और इनके मुँह से ये क्या गुरु मंत्र दे रहे हैं कि आप लोगों को जीवन में और हमारे जीवन में, सभी के जीवन में बहुत ही काम की चीज़ है। तो इनकी बातों को थोड़ा ध्यान से सुने और अपने जीवन में भी उतारें। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार जी। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऐसे जन्म का नाम है श्री राम और साधु समाज का नाम है स्वामी रघुनंदन गिरी महाराज। स्वामी रघुनंदन गिरी महाराज जी। जी महाराज जी, अभी आपका कार्य है तो वो कार्य पूरा करना है। जी 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 महाराज जी, आप जो गुरु मंत्र आपने मुझे दिया है जी, तो जनमानस को जो वीडियो देख रहे हैं, भगवान श्री राम जी के भक्त हैं, महाकाल बाबा के भक्त हैं जी, तो सभी लोगों से आपका जो नियोजन है, जो आपने बात बताई है, एक वृक्ष एक आदमी को लगाना ही चाहिए जी, तो आप उसमें क्या देखते हैं, आपको ऐसा उसमें क्या लग रहा है कि आम जनता को उसको लगाकर क्या फ़ायदा हो जाएगा और आपका उसमें कितना मतलब विश्वास है कि लोग आपकी बातों को मानकर ये काम करेंगे? जी देखो, ऐसा है जीवन में हमको जो है जीवन के हमारी प्रकृति जो है, जैसे हमारी धरती माँ, तो धरती माँ जो हमारे पेड़ पौधे, ये हमारी प्रकृति है, ये हमारा धरती माँ और परमात्मा का जो स्वरूप है पेड़ पौधे के रूप में, और जगत माता धरती माँ। तो जब हम बीज डालते तो क्या होता है, उत्पत्ति होती है। तो इसी प्रकार से जब जीवन में हमको शुद्ध ऑक्सीजन देती है, जब पेड़ पौधे नहीं रहेगा तो हमारा जीवन भी खलास हो जाएगा। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जब एक महात्मा हमारे प्रकृति, हमारा परमात्मा है, सबको ऑक्सीजन देते, प्रकृति नहीं रहेगा, हम 50 साल जिएंगे 25 साल में खलास हो जाएगा। जितने पेड़ पौधे रहेंगे उतनी हमारी उम्र बढ़ेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जी सकते हैं और हमारी उम्र भी बढ़ जाएगी। तो ऐसा मेरा कहने का भाव। एक मिनट, जो हमारी 6 लाइन है, 4 लाइन है, सब जगह जो है हमारा पेड़ लगाओ, जिसको पेड़ लगाने की जरूरत है अपने छत पे लगाओ, गमला रखो, जो भी कुछ रखना सब लगाओ, पर सब एक एक आदमी एक एक पेड़ लगाओ, ऐसी मेरी भावना है। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि महाराज जी का जो कहना है, उद्देश्य है कि सभी लोग एक एक पेड़ जरूर लगाएं अपने घर में, अपने खेत में, अपने बाड़ी में, आंगन में, अगर नहीं है तो छत है, छत पे गमलों के रूप में एक एक पेड़ लगाएं और लोगों को प्रेरित करें कि वो भी पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने से क्या होगा कि हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो वातावरण है, दूषित नहीं होगा और पर्यावरण अच्छा रहेगा, और जब पर्यावरण अच्छा रहेगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हमारा परिवार अच्छा रहेगा, सबको ऑक्सीजन अच्छी शुद्ध मिलेगी और पूरा पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो सबको खुशहाली मिलेगी। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि एक एक पेड़ जरूर लगाएं और अपनी मातृभूमि को, अपनी धरती माँ को दूषित होने से बचाएं और एक एक पेड़ लगाकर इस पर्यावरण को बचाने में हमारा सहयोग करें। और मैं आपका दोस्त रूपचंद साहू हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो पैगो की गाड़ी है, यह एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है, 2023 का मॉडल है और गाड़ी बहुत ही शानदार भाई साहब ने बना के रखा है। इसमें इन्होंने अलग से जो हुड वगैरह बनाया है, इसकी सीट वगैरह बनवाई है, वो हम आपको दिखाते हैं कि ये इसका जो सेटअप है कैसे इन्होंने करवाया है, कितना खर्चा लगा है और गाड़ी कितने देर में चार्ज होती है, कितने किलोमीटर चलती है, गाड़ी की कीमत क्या है। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें और पूरा वीडियो देखें, तभी आपके समझ में आएगी। सबसे पहले आप देखेंगे तो इसकी जो सीट बनी हुई है, काफ़ी शानदार सीट मिलेगी आपको और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने डिज़ाइन करवाया है सीट में, बहुत ही फर्स्ट क्लास। आराम से यहाँ पे आप ड्राइवर के अलावा भी एक दो सवारी बैठा सकते हैं अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो। इसके बाद में ये ड्राइवर सीट के पीछे इन्होंने एक छोटी सी सीट बनवाई है,
और ये दरवाज़ा बना हुआ है, ये हाफ दरवाज़ा कंपनी की तरफ से आता है, इसके बाद में इन्होंने अलग से बनवाया हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन। और ये पीछे की सीट है, इस पर आप सवारी के बाद में जो बच्चे वगैरह रहते हैं एक्स्ट्रा, वो आप इसके ऊपर बैठा सकते हैं आराम से। ये सीट है जो पैसेंजर बैठने वाली, काफ़ी शानदार जगह है, इस पर आराम से आप तीन सवारी बैठा सकते हैं और तीन के अलावा चार भी बैठा सकते हैं, अगर सवारी थोड़ी पतली हुई तो आप चार बैठा सकते हैं। ये पीछे की टिकने वाली सीट है और पीछे में जो जगह थी उन्होंने पैक करवा दी है पूरा, इसके ऊपर आप बैग वगैरह रख सकते हैं। इसकी जो सीलिंग है काफ़ी शानदार है और इन्होंने लाइट वगैरह लगाया हुआ है। सर जी थोड़ा लाइट वगैरह जला दीजिए। ये देख सकते हैं इसकी लाइट वगैरह काफ़ी एकदम झमाझम बनी हुई है, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों इन्होंने बहुत शानदार बनाया हुआ है, इस पर कितना खर्चा आया है इनका, इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और पीछे से इन्होंने बहुत ही शानदार ये सपोर्ट लगवाया हुआ है। अब ये सपोर्ट का काम क्या है, कारण क्या है लगाने का? लखन पटेल, कितने में लिए आप गाड़ी? 380। 3,80,000 आपने नगद में लिया? नहीं, फाइनेंस करवाया। अच्छा, नगद में कीमत 3,80,000 है। यस। कितने महीने से आप चला रहे हैं? 2 महीने हो गए। 2 महीना हो गया। तो गाड़ी का परफॉर्मेंस अभी कैसा है? बढ़िया है, गाड़ी का परफॉर्मेंस बढ़िया है। कितने दिन में आप इसको फुल चार्ज करते हैं? ये 4.5 से 5 घंटे में हो जाती है। अच्छा, 4.5 घंटे से 5 घंटे के बीच में फुल चार्ज होती है। यस। एक बार जैसे फुल चार्ज हो जाती है तो कितने किलोमीटर का आपको बैकअप मिल जाता है? इसमें 150 किलोमीटर चलती है एक चार्ज में। 150 किलोमीटर? यस। पूरी चलती है कि कम चलती है? 150 चलती है पूरी। पूरी चलती है क्योंकि बहुत लॉन्ग में 150 चलती है। अच्छा, सिटी में कम चलती है थोड़ी। सिटी में ट्रैफिक की वजह से, मतलब क्या है, बार बार ब्रेक लगाना पड़ता है, ये वो, इस वजह से। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 130 किलोमीटर चलती है, तो ये क्या बात सही है? नहीं नहीं, पूरी चलती है, 150 चलती है। और गाड़ी का जो है मतलब वारंटी वगैरह है बैटरी की, वो बैटरी की 3 साल की है, चार्जर की भी 3 साल की है। चार्जर भी 3 साल है और बाकी चलने में बहुत बढ़िया गाड़ी है। बहुत बढ़िया। जो आपने अंदर ये सजवाया हुआ है सेटअप पूरा, उसमें कितना खर्च लगा है टोटल? इसमें 20,000 तो बनवाए के लगेंगे। 20,000 बनवाए? हाँ। अच्छा, और ऊपर का ये सब 23,000 में हो गया पूरा। 23,000 में? हाँ। तो ये आपने ये जो लोहे का इतना मोटा ये लगवाया, ये किस लिए लगवाया? ये कुछ सामान वामान मिले तो सामान लगे जगह छोड़ सकें। अच्छा, लाई लाई के काम से। हाँ, आपके हुड में या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? हाँ, इसके लिए। यस। चलो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सर जी ने गाड़ी को सजवाया है, काफ़ी शानदार इनकी गाड़ी है, अभी 2 महीने से चला रहे हैं। गाड़ी की कीमत है 3,80,000 नगद में और 4 घंटे में फुल चार्ज होती है, लगभग 150 किलोमीटर चला लेते हैं। आपकी कमाई कितनी हो जाती है डेली की? कमाई तो सवारी के ऊपर है। फिर भी लगभग कितनी हो जाती है? अभी तो क्या है, ज़्यादा चला ही नहीं है, फिर भी 1200-1300 रुपये हो जाती है। 1200-1300 रुपये पर डे की? हाँ। यानी आप 1000 भी उसको पकड़ सकते हैं। हाँ। और सर जी की कमाई जो है 1000 रुपये डेली की हो जाती है और बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। आप लोग भी अगर ख़रीदना चाहें तो गाड़ी की मतलब गाड़ी के शोरूम में जाएं, इंक्वायरी करें, टेस्ट ड्राइव लें, इसके बाद में आपको कौन सी लेनी है आप आराम से ले सकते हैं। तो मिलेंगे फिर एक अगली वीडियो में, नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।